आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं आपको पता होगा व्हाट्सएप चैट में दोस्तों आपको पर्सनल फोटो होता है, पर्सनल आईडी होता है, पर्सनल वीडियो होता है, पर्सनल चैट होता है। अपने दोस्तों को या फिर अपने माता पिता को आप दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपसे वो मोबाइल मांगते हैं तो आप उसे मना नहीं कर सकते, और दोस्तों मना करते हैं तो उन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। तो दोस्तों इससे आप कैसे बच सकते हैं, मोबाइल आपसे मांग रहा है तो आप उसे दे भी देते हैं, तो दोस्तों जैसे ही यदि वो व्हाट्सएप ओपन करता है आपका तो उसे व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बच सकते हैं, नहीं आपका कोई व्हाट्सएप फोटो व्हाट्सएप इमेज ना ही चैट पढ़ सकता है सिर्फ आपके सिवा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं प्ले स्टोर पर एक ऐप इंस्टॉल करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं आप देख सकते हो तो व्हाट्स लॉग है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ये स्टार्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सिंपल सेटअप है। इसके बाद देख सकते हो आप पासवर्ड के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे लॉक लगाना है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको इनेबल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 है जो आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपको लास्ट में काम आएगा। मैं दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे आपको आएगा, ये मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखना है, जो भी आपके पास ईमेल आईडी आपको इंटर कर लेना है। चलो मैं ईमेल आईडी आपको टाइपिंग कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कन्फर्म करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का आपको इंटरफेस मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप इनेबल है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, इसको आपको फॉलो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सअप लॉक पे आना है दोस्तों, यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ का एक बार और बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको भी इनेबल कर लेना है। इसके बाद फिर से बैक आता हूँ, इसके बाद फिर से हमें बैक आना है दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेक सकते हैं हमारा प्रॉपर वर्क हो चुका, जो जो ऑप्शन का हमें यूज करना चाहिए हम यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली हमें बैक आना है दोस्तों। व्हाट्सएप में और ओपन करके देखता हूँ क्या ओपन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलो मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाउ व्हाट्सएप जैसे ओपन कर रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हमारा नहीं हो रहा है। नहीं दोस्तों अब चैट पे ओपन है, नहीं स्टेटस है, नहीं कॉल पे दोस्तों आप देखते हैं सिंपल। लेकिन दोस्तों आपको यदि ओपन करना होगा तो कैसे करना है दोस्तों, आप वहाँ पर देख सकते हैं जो पासवर्ड वहाँ पे दिखा रहा था 1 2 3 4 दोस्तों, आपको इस ऑप्शन वाले पे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है 4 बार 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन हो जाता है, ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है तो पासवर्ड इंटर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पासवर्ड कीजिएगा तो वैसे आपका यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पर्सनल डाटा, पर्सनल चैट, पर्सनल फोटो का बचा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।